दोस्तों उसके सपोर्ट में बोला मैसेज लगा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर। जब मैंने बाद में बेडरूम की वीडियो देखी तो मुझे बहुत बुरा लगा, इट वॉज डिस्टेस्टफुल, बहुत डिस्टेस्टफुल था वो। यहाँ पे केस होता है क्लोज। Assalamualaikum, welcome to Talk with Madiha. Hopefully, आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। एक कॉन्ट्रोवर्सी दो दिन से चल रही है और मैंने इस पर बहुत रिसर्च की है। मैं एकदम से रिएक्शन नहीं देना चाहती थी क्योंकि जब कुछ भी ऐसा होता है तो हमें एकदम से रिएक्शन नहीं देना चाहिए, हमें पहले थोड़ा सा डिटेल में उस चीज को अच्छे से स्टडी करना चाहिए, उसके बाद हमें उस पर बात करनी चाहिए। क्योंकि मैं एक तरफा बात नहीं करती हूँ कभी भी और ना ही मैं एक तरफा बात करना चाहती हूँ। मैं आपको दोनों साइड्स की रियलिटी और दोनों साइड्स की स्टोरी बताऊंगी। वीडियो स्किप मत करेगा, ये तमाम यूट्यूबर्स जितने भी बड़े छोटे यूट्यूबर्स हैं वो जरूर ये वीडियो देखिएगा जरूर, क्योंकि इसमें आपको भी कुछ जानने को मिलेगा और वीडियो हो सके तो शेयर भी करिएगा। यहाँ बात करते हैं सोनिया गोपाल की। सोनिया गोपाल जो है उनको सब जानते हैं, मुझे उनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। कितने सब्सक्राइबर्स है, क्या है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है, बहुत नीचे से ऊपर गए हैं, काफी स्ट्रगल की है, मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है। उस्मा ताहिर जो है वो कुछ ऐसे शोज करती है जिसमें क्राइम से रिलेटेड जो है वो चीजों को एक्सपोज करती है, वो ऑन रोड शो भी करती है, उस जगह पे जाके जो क्राइम का स्पॉट होता है वहां पे भी चीजें कवर करती है, तो ऐसे इस तरह के शोज करती है जितना मैंने रिसर्च किया है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे हकाइक और कुछ ऐसे पॉइंट्स रखूंगी कि शायद तल हो और उस्मा को बुरे लग जाए या गोपाल को बुरे लग जाए। पहले मैं एक चीज, एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं गोपाल जो है, गोपाल सोनिया उनकी ना कोई सपोर्टर हूँ, ना मैं उनकी कोई उनको वॉच करती हूँ। मैं शुरू में उनको वॉच करती थी जब नए नए वो जो है वो वायरल हुए थे, उनकी स्ट्रगल मुझे अच्छी लगी थी। उसके बाद क्या होता है कि नए नए ब्लॉगर्स आते हैं और आप जो है चेंज हो जाते हैं, आप दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी गोपाल की कोई बाजी की हैसियत से, गोपाल की बहन की हैसियत से बात नहीं करूंगी। और अदर साइड मैं उस्मा ताहिर की भी कोई सपोर्टर, कोई फैन की हैसियत से बात नहीं कर रही। मेरा जो है रिएक्शन चैनल है और जहाँ पे मुझे जो चीज सही लगेगी, जिसका जो पॉइंट सही लगेगा, मैं सिर्फ उस पर बात करूंगी। उस्मा ताहिर की बैक टू बैक वीडियोज आ रही है, तो यहाँ मैं ये कहूंगी कि जब उस्मा ताहिर आपकी, मैंने वो वीडियो देखी जिसमें आपने गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाई है, तो मुझे काफी कन्विंसिंग लगी आपकी वो वीडियो कि हाँ ठीक है, आप भी जॉब कर रही थी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आपकी मैंने वो वीडियो देखी जिसमें आपने कहा कि आप देखे, मैंने उनके घर भी गई हूँ, मैंने उनको जो है कंसोल किया और मेरे चैनल ने भी मुझे जो है वो बोला कि आपने जो है वो क्यों उनके घर गई, तो जब मैंने आपकी वो वीडियो जाके देखी ना उस्मा, तो वहां आपने जो है ना एक मीडिया पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक एंकर की, एक होस्ट की, या एक मीडिया इंडस्ट्री से आप रिलेटेड है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उससे आपने उसको क्रॉस कर दिया उस्मा, और आपको उनके बेडरूम में नहीं जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से आप उनके बेडरूम में जो गई है और आपने उनके बेडरूम में जाके जो वीडियो बनाई है, एक हस्बैंड वाइफ की एक पर्सनल स्पेस होती है और वहां पे उनकी वाइफ क्लियरली चाहती थी कि उनको कुछ स्पेस मिले, बिल्कुल जैसे कहते हैं वो बदहवास थी, रो रही थी, और उधर भी जाके आप वीडियो बना रही थी, वहां आपसे गलती हुई है। इस चीज को आपने, आपके चैनल ने भी कहा है और मैं भी ये कहूंगी कि देखिए, एक केस जब तक होता है वो केस कि आपने अपने एक शो में बैठ के, वो भी आप अगर उस शो में बैठ के बात कर रही है, अपनी जॉब कर रही है, तो वो केस वहीं तक होता है। लेकिन जब आप किसी की पर्सनल उसमें स्पेस में जा रही है, आप पर्सनल चीजें बात कर रही है, आप अपने पर्सनल चैनल पे आके जो है वो वीडियोस बना रही है, तो वहां आप जो है ना वो पर्सनल जा रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत बड़े बड़े सहाफी हैं जैसे इकरारुल हसन है, वसीम बदामी है, इमरान व्यास है, इनके ऊपर बहुत बातें होती है, बहुत चीजें होती है, ये भी बहुत सारे शोज करते हैं, बहुत कुछ होता है, उसके बाद ये बस उस चैनल पे उस वो शो करने के बाद पर्सनल कहीं नहीं जाते हैं, पर्सनल किसी के उसमें जाके कोई ऐसी बात नहीं करते। वहां पे आपने गोपाल से स्टेटमेंट जब वो कह रहे थे, जब उनकी वाइफ रो रही थी, तो आपने कहा, जब वो ये कहने लगे कि मुझे एक लड़की ब्लैकमेल कर रही थी जो भी, तो आपने कहा नहीं, ब्लैकमेल नहीं कर रही थी, तुमसे गलती हुई है, तुम मानो। और देखिए, इस तरह माफी मांग ली, किससे माफी मांग ली मुझे समझ नहीं आता, इतने माफी का मुझे समझ में नहीं आता। और माफी मांग ली तो अपनी वाइफ से मांगेगी, वो भी अकेले मांग लेंगे, वो लोगों के आगे आके क्यों माफी मांगेंगे। आपने उनका कन्फेशन अपने शो पे भी कराया, उसके बाद आपने उनके घर में जाके भी उनका कन्फेशन कराया, उस बार आपने यहाँ पे उनसे दो दो जगह कन्फेशन कराया जिसकी जरूरत ही नहीं थी। फिर आप बार बार कह रहे कि मैं वो मैसेजेस लगा दूंगी। आप एक बात बताएं, एक चैनल है जो क्राइम रिपोर्ट करता है, यहाँ पे गोपाल और उस लड़की का जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजें हुई है। आपने खुद बोला कि उस लड़की की भी गलती थी क्योंकि वो बात करी थी और ताली दोनों हाथों से देखे बचती है। तो जब कोई चीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है तो मुझे ये बताइए कि उसमें माफी लोगों से मांगने की क्या जरूरत है, या कोई भी इंसान लोगों से आके क्यों माफी मांगेगा। तो
वहां आप उनकी पर्सनल स्पेस में जाके भी उनको जो है वो काफी डिग्रेड महसूस करा रही थी, वहां आपकी गलती है उस पर। जहां तक बात रही ये कि आपके ऊपर लोग ये बात कर रहे हैं कि जी इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उस बार ने बुलाया, नहीं जी आप लोग गलत बात कर रहे हैं, वो अपनी जॉब कर रही थी, उन्होंने अपनी जॉब की एक चैनल पे की। लेकिन जब अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पे आके वीडियोस बना रही है, एक दफा बना दी, दो दफा आप बैक टू बैक बनाई, आपने मुझे बेडरूम में जाके वीडियो बनाई, आई बिलीव कि एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया पर्सन की हैसियत से आपने वहां पे जो है ना थोड़ी सी लाइन क्रॉस कर ली। आपको नहीं कराना चाहिए था, आपको उनसे कन्फेशन बार बार कराने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि मैं चैनल से बात करूंगी कि जब आप लोग इस तरह की चीजें ब्रेक कर रहे होते हैं, आप लोग किसी की लाइफ को एक्सपोज कर रहे होते हैं, तो क्या उन्होंने कत्ल किया था, क्या उन्होंने किसी को किडनैप किया था? दो एडल्ट्स, एक मर्द और एक औरत, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात कर रहे थे, गलत कर रहे थे, वो अपनी वाइफ को चीट कर रहे थे, गलत कर रहे थे, और वो लड़की भी गलत कर रही थी। लेकिन क्या वो ऐसी चीज थी, क्या वो नेशनल लेवल पे आ रही या नेशनल उस पर आने की चीज थी जिसको आप एक्सपोज कर रहे थे? देखिए मेरा मानना तो ये कि ये इस तरह के शोज हो रही नहीं चाहिए। देखिए जब आप किसी बड़े गैंग को एक्सपोज करते हैं, जब आप किसी बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी को एक्सपोज करते हैं, तो समझ में आता है कि हाँ, जैसे कराउल हसन का शो सरेआम है, अब सरेआम पे जाके वो काफी उन्होंने जगहों पे जो है वो रेड की, काफी उन्होंने गैंग्स एक्सपोज किए, उन्होंने जो है वो बहुत सारे रैकेट्स एक्सपोज किए, बहुत कुछ उन्होंने किया। लेकिन यहाँ पे आप दो हस्बैंड वाइफ, जो नॉर्मल से हस्बैंड वाइफ है, जो अपने टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं, अपने यूट्यूब उनका चैनल है, जिनको एक्सपोज करने की जरूरत ही नहीं थी जब वो लड़की आई, और आपको खुद ही अंदाजा हो गया कि उस लड़की की भी गलती है, तो आप उसे कहते भागो यहाँ से, भाई तुम बात क्यों कर रही हो? और मैं एक बात आपसे ये कहूंगी कि चलिए आपने अपने शो पे ये चीज कर भी दी, इसमें आपकी तो गलती नहीं है क्या, क्योंकि आपके चैनल की गलती है, तो मैं चैनल से ये बोलूंगी कि क्या आप लोग पहले लीगली कुछ करते हैं? क्योंकि कोई भी चीज होती है ना, तो जब तक कि वो लीगल ना हो, जब तक कि कोई उस पर लीगल एक्शन ना हो, कोई केस ना हुआ हुआ हो, या उस इंसान ने पुलिस में रिपोर्ट उस चीज से रिलेटेड ना कराई भी हो, तो आप जब उस चीज को करते हैं तो आपको ये नहीं पता कि ये आप पे फायर बैक हो सकता है। क्योंकि अब वो लड़की ये कह रही है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे भी सामने ले आएगी, मुझे भी सामने ले आए, तो फर्ज करें कि अगर वो लड़की आपके अगेंस्ट में आके बोल दे कि इन्होंने मुझे फोर्स करके सब करवाया, आपके पास बेशक मैसेजेस है, वीडियोस है, फोटोज होगी, जो भी होगी, लेकिन क्या आपने उनकी फॉरेंसिक कराई है? अब बात यहाँ पर ये आती है कि फॉरेंसिक करने के लिए एक मखसूस इदारे से इजाजत लेनी पड़ती है। तो जब कोई किसी ने कोई किसी की पुलिस में रिपोर्ट कराई नहीं है, कुछ कराया नहीं है, तो आप किसी की पर्सनल लाइफ, देखिए जब कोई शो में किसी चैनल पे किसी पे आपने, एक तो पहली बात है कि उनकी मर्जी के बगैर आप लोगों ने एकदम से एक्सपोज कर दिया, आपके चैनल ने एकदम से किसी की पर्सनल लाइफ को एक्सपोज कर दिया, जो कि बिल्कुल ही अनएथिकल है, और बिल्कुल भी जैसे कहते हैं मोरली बिल्कुल भी बहुत ही नामुनासिब बात है, तो उसके बाद क्या उस बंदे का राइट नहीं बनता कि अपने आपको डिफेंड करेगा? अपने आपको डिफेंड करने का उसके पास पूरा राइट है। अब वो अपने डिफेंस में कुछ भी बोलेगा, आपने अपनी जॉब पूरी कर दी है, आप अपने चैनल पे, अपने शो में जहां पे आप जॉब करती है, आपने वहां पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दी, उसके बाद उस बंदे का पूरा राइट है कि वो अपने चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे अपने डिफेंस में बोलेगा। तो अगर वो अपने डिफेंस में बोलेगा तो ये तो उसका पूरा राइट बनता है, और अगर उसकी सपोर्ट पैकेज चंद एक औरतें बोलेगी तो ये तो वो आपस में वो लोग जो है वो कोलैब करते रहते हैं तो वो बोल रहे हैं, इसमें इतना ऑफेंसिव होने वाली बात नहीं है। जहां तक बात रही कि वो आप पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि उस बात आगे ने बुलाया था, तो देखिए यहाँ पे मैं कहूंगी कि बड़े बड़े मीडिया पर्सन पे बात होती है, वो जाके जवाब नहीं देते, वो एक्नॉलेज भी नहीं करते, वो इन चीजों को लेट गो करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम आए हैं तो क्रिटिसिज्म तो होगा, एक डिस्कशन तो होगा, ये तो आएगा, तो इसके लिए हर एक को जवाब देने की जरूरत नहीं होती, इन चीजों को लेट गो करना चाहिए। मैं क्यों इस बात पर जोर दे रही हूँ, मेरे पॉइंट को समझिएगा, कि अगर उस लड़की ने कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई थी, कोई हैरासमेंट की, कोई ब्लैकमेलिंग की, किसी चीज की कोई रिपोर्ट नहीं कराई थी, और आपने उसकी इस तरह से आके एक्सपोज कर दिया, लेट से वो लड़की बैक स्टेप हो जाए, लेट से गोपाल जो की वाइफ अपने आपको सेल्फ हार्म पहुंचाए, जिस तरह का आप लोग बात बता रहे थे कि वो आपसे अपनी पर्सनल चीजें भी डिस्कस करी थी, मैं यहाँ पे नहीं करूंगी, लेट से अपने आपको सेल्फ हार्म पहुंचाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बाजी में बहुत सारे ऐसे शोज भी हैं जो बैन हो चुके हैं, बाजी में ऐसी होस्ट भी हैं जो जिनको बैन किया गया है, उनकी कुछ इरिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उनको बैन कर दिया गया है, जबकि उनकी चैनल की है कि चैनल उनसे जो चीजें करवा रहा होता है, लेकिन बात होस्ट पर आ जाती है और होस्ट जो है वो मसले में आ जाती है। तो अगर कोई चीज लीगली रिपोर्ट नहीं हुई है तो उसको एक पर्सनल किसी की लाइफ को पर्सनल स्पेस पे जाके आपको उसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए। इससे जैसे कि गोपाल जो है उन्होंने बोला कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, जो भी हो रहा था, तो आप मुझे बताएं कि अगर वहां पे आपके शो पे ही कुछ
हो जाता, खुदा ना खासा लाना करे, तो इसके फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होता। तो यहाँ चैनल से मैं ये कहूंगी कि थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बनिए, इतनी भी सनसनी ना फैलाइए कि लेने के देने पड़ जाए, क्योंकि ऐसा होता रहा है कि लेने के देने पड़ जाते हैं। जो चीज जितनी है उसको उतना ही रहने दीजिए। आप इस तरह के केसेस डाल लिया करें कि जिसमें आप किसी नॉर्मल लोगों की, क्योंकि नॉर्मल है, लोग यूट्यूब पर आके अपनी डेली व्लॉग्स कर रहे हैं तो वो नॉर्मल लोग हैं, आप उनकी पर्सनल लाइफ को क्यों लेकर आ रहे हैं, आपको कोई राइट नहीं बनता है। उस वक्त आप में बहुत स्पार्क है, आप अच्छा होस्ट करती है, आप बोलती अच्छा है, यहाँ पे आप इस चीज पे जरूर जो है वो नजरसानी करेगा। ये एक हेल्दी क्रिटिसिज्म है। जब आप आप मीडिया में होते हो तो आपको हेल्दी क्रिटिसिज्म लेना पड़ता है। अगर आप क्रिटिसिज्म लोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे, तो ही इतने बड़े बड़े नाम, राहुल हसन, वसीम बदामी जैसे नाम आते हैं, बहुत क्रिटिसिज्म लेते हैं वो, बहुत लोग उन पर बातें करते हैं, लेकिन अपने शो के बाद अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आके कोई सफाई या कुछ नहीं देते हैं। वो कहते हैं बोलिए मैंने अपना सिर्फ काम वहां तक करना था, और बात सिर्फ एक बार होती है। किसी को बार बार कहना कि मैं तुम्हारी ये मैसेज लगा दूंगी अगर मुझ पर ज्यादा किया, अगर उसने उसकी सपोर्ट में बोला तो मैं मैसेज लगा दूंगी, अगर उसने उसकी सपोर्ट में बोला मैसेज लगा दूंगी, ये चीज एक तरह से ब्लैकमेलिंग में आ रही है जो आप अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर कर रही हो, तो वो चीज थोड़ी गैर मुनासिब लग रही है। दूसरी तरफ सफीरा जो है उन्होंने आके वीडियो बनाई, और सफीरा कहती है कि मुझे भी नहीं पता था ये लोग मुझे सामने ले जाएंगे, सामने ले गए। वही बात है कि जब कोई चीज लीगल नहीं है तो उसको लाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सफीरा जो है वो कहती है कि जी मुझे जरूरत नहीं है शाउट आउट की, जाके मिलती रही हूँ ऐसे यूट्यूबर्स के आगे पीछे घूमती रही हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि सफीरा आपको जरूरत ये क्या थी कि आप किसी से इंस्टाग्राम पे बात कर रही है, क्यों कर रही थी आप बात, आप बात ही नहीं करती। अगर आप इतना लोगों पे आप बात कर रही है कि वो शाउट आउट के लिए जाता है, वो शाउट आउट के लिए जाता है, मैं नहीं जाती, तो आप बात क्यों कर रही थी, आप सोनिया से बात कर लेती, सोनिया भी यूट्यूबर है, सोनिया भी यूट्यूब पे है, तो आप सिर्फ सोनिया से ही बात करती, आप गोपाल से क्यों बात कर रही थी, आपको नहीं करनी चाहिए थी। गोपाल अपनी वाइफ के साथ सिंसियर रहे, वो इस वजह से कि आपकी वाइफ आपकी हार्डशिप में आपके साथ खड़ी रही है, आपकी वाइफ ने आपको बहुत प्यारे बच्चे दिए, आपकी वाइफ ने आपको बहुत प्यारी फैमिली दी है। अब मैं बात करूंगी यूट्यूबर से, जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स मुझे देख रहे हैं, अपने राइट्स को पहचानिए, नो योर राइट्स। कोई भी आके आपकी लाइफ को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी, तो उस चीज के खिलाफ आवाज उठाइए सही वे में, तरीके से, बदतमीजी मत करिए, सामने वाले बंदे से बदतमीजी ना करें, जैसे एक मीडिया पर्सन से आप बदतमीजी मत करिए, लेकिन तरीके से आवाज उठाइए और अपने राइट्स को पहचानिए। आपकी पर्सनल लाइफ में अगर आपने किसी का खुदा ना खास्ता मर्डर तो नहीं किया, किडनैप तो नहीं किया, खुदा ना खास्ता आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम तो कमिट नहीं किया, अगर आपने ये चीजें नहीं की है तो फिर अगर आपकी पर्सनल लाइफ, जैसे कि अगर आपकी कोई करेक्टर असैसिनेशन कर रहा है तो उसके बारे में समझिए। ये चीज किसी भी ऐसे यूट्यूबर के साथ नहीं की जा सकती थी जिसको अपने राइट्स पता होते या जो पढ़ा लिखा होता। अगर कोई पढ़ा लिखा होता तो उसको पता होता कि मेरे क्या राइट्स है, आप ऐसे नहीं करते, और वो अपने राइट्स को यूज करता और वो इस चीज को बार बार आके कन्फेस नहीं करता। और ऐसे शोज में जब आप जाते हैं तो आप जब इन शोज में जाते हैं थोड़ा सा वेरीफाई तो करें शोज है किससे रिलेटेड। एक यूट्यूबर है पाकिस्तान की, बहुत बड़ी यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, उनको एक बहुत बड़े मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया गया, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि समटाइम्स उस मॉर्निंग शो में मजाक भी बनाया जाता है, उस उल्टे सीधे सवाल भी किए जाते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया जी मुझे नहीं आना। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे आप अपना एक मुकाम बना चुके हैं तो उसको आप खराब मत करिए। या आपने वहां पे ये भी बोला कि गोपाल जो है वो वॉकआउट करने लगा, मैंने कहा तुम इस तरह चले जाओगे लोग तुम पे बात करेंगे, कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पे कहती हूँ गोपाल अगर वॉकआउट कर जाता तो गोपाल अपने चैनल पे आके कोई भी बात करता तो लोग गोपाल की बात सुनते, आपकी बात नहीं सुनते, लोग गोपाल की बात सुनते। तो अपने राइट्स को इस्तेमाल कीजिए, अपने राइट्स को सही से यूज कीजिए। अगर आप तरक्की किसी मंजिल पर पहुंच गए हैं तो वो आप अपनी मेहनत से पहुंचे हैं, आपको लोगों ने पहुंचाया जरूर है लेकिन उसमें मेहनत आपकी शामिल है, आपने मेहनत की है तो लोगों ने आपको देखा है। तो लोगों के आगे आके झुकने की जरूरत नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, अल्लाह से माफी मांगे जिस इंसान के साथ किया बस उस इंसान से माफी मांगे, दैट्स इट। यहाँ पे केस होता है क्लोज। आई होप कि आपको मेरा आज का रिएक्शन अच्छा लगा होगा, अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।